सो हेलो एंड वेलकम बैक टू हमारा एडिट गाइस। सो गाइस कैसे हो सारे, आई होप कि आप हमेशा की तरह मस्त एंड फर्स्ट क्लास होगे। सो गाइस आज की इस नए वीडियो में हम कुछ स्टेप से फ्रेम फोटो एडिटिंग करेंगे जो देखने में काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव लगती है। सो गाइस आप लोग भी ऐसे बहुत ही कम टाइम में अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। तो गाइस आप लोगों को भी सीखना है इस टाइप से एडिटिंग, तो यार इस वीडियो को एंड तक देखो और पूरा लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। उससे पहले गाइस चैनल पर अगर जो भी बंदे नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर रोज़ वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो। एंड गाइस वीडियो को देखने के बाद भी लाइक कर सकते हो, बट कोई नहीं, जब आप लोगों का मन लाइक कर दो बट जरूर से कर देना। एंड गाइस चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सो ओके गाइस, तो गाइस सबसे पहले हम अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे। तो गाइस जैसे कि पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर आने के बाद आप लोगों को ये पीएनजी मिल जाएगी फ्रेम की मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो गाइस आप लोगों को सबसे पहले अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर इसको ऐड कर लेना है बहुत ही अच्छे तरीके से। एंड गाइस ऐड करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि अब अपने ऐड फोटो के अंदर चलना है। एंड ऐड फोटो के अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को अपने कोई तीन फोटोज़ ले लेने हैं जिसको आप लोगों को फ्रेम में अपने ऐड करने हैं। तो गाइस मैं यहाँ से अपने तीन फ़ोटो को ले लिया हूँ। एंड गाइस इन तीनों फ़ोटो को मैं अच्छे तरह से अपने फ्रेम पे ऐड कर दूंगा। तो गाइस थोड़ा अंदर बाहर रहेगा वो चलेगा, बट फ्रेम से बाहर हमारा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं परफेक्टली ऐड कर लूँगा अपने फ्रेम के राउंडली। एंड इसको भी मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर भी सेट कर दूँगा, ऐड कर दूँगा। एंड गाइस जो बाहर का हिस्सा रह गया है उसको मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ से इरेजर पे आऊँगा। एंड इरेजर पे आने के बाद यहाँ से मैं कर दूँगा सिंपली इसको इरेज। तो गाइस मैं इसको सिंपली यहाँ से कर देता हूँ इरेज। तो देखिए हमारा जो फ्रेम के अंदर हो चुका है हमारा फ़ोटो। एंड इतना करने के बाद गाइस इसको भी मैं सिंपली यहाँ से ऐड कर लेता हूँ इस एल्बम पे। तो गाइस इसको भी मैं इस फ्रेम पे ऐड कर लेता हूँ अच्छी तरीके से। तो इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ। एंड इस पर भी मैं इरेजर पे जाऊँगा पहले तो सबसे पहले तो मैं इसको अच्छी तरीके से ऐड कर लेता हूँ फ्रेम के अंदर। एंड इरेजर पे आऊँगा। एंड इरेजर पे जाने के बाद भी इसको मैं तो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। सो गाइस इतना करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमारा ऐड हो चुका है हमारे फ्रेम पे फोटो। एंड यहाँ से मैं सिंपली कर दूँगा डन। एंड डन करने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है कि अपने ऐड फोटो के अंदर आ जाना है। एंड ऐड फोटो के अंदर आ जाने के बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को फिर से वो फ्रेम की पीएनजी ऐड कर लेनी है। एंड इस फ्रेम की पीएनजी को ऐड करने के बाद आप लोगों को सिंपली इसको फुल स्क्रीन पे कर देना है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है फ्रेम की पीएनजी। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बिल्कुल ही बाहर सा नहीं लग रहा है हमारा फोटो। सो गाइस इतना करने के बाद आप लोगों को करना क्या है कि अपने ड्रॉ टूल पे आना है। एंड इस पीएनजी को सेव कर लेना है एक बार अपने थ्री डॉट पे क्लिक करके सेव टू गैलरी पे। सो गाइस इतना करने के बाद आप लोगों को अब अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है जो ये वाली बैकग्राउंड है। तो गाइस जैसे कि देखिए ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लीजिएगा। तो इसकी लिंक भी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग जाकर सबसे डाउनलोड कर सकते हो गाइस। इस सारी स्टॉक पीएनजी मैं दे दूंगा आप लोगों को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो इतना करने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है कि अपने ऐड फोटो पे जाना है। एंड उसी पीएनजी को ऐड करना है जो अभी हमने फ्रेम की पीएनजी जो रेडी की है अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। सो इतना करने के बाद आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन पर डाल देना है। सो फुल स्क्रीन पर डालने के बाद गाइस आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से कर देना है सिंपली डन। एंड इतना करने के बाद गाइस देखिए हमारे बैकग्राउंड पे बहुत अच्छे तरीके से हमारा फ्रेम ऐड हो चुका है। सो इतना करने के बाद आप लोगों को अब फिर से अपने ऐड फोटो के अंदर आना है। एंड यहाँ से अपने मॉडल को ऐड कर लेना है गाइस, जैसे कि आप लोग अपना फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। सो मैं इसको अच्छी तरीके से ऐड कर लेता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। तो इसको मैं और बड़ा कर लेता हूँ एंड इसको मैं अच्छी तरीके से ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से ऐड कर लिया अपने मॉडल को अपने बैकग्राउंड पे। एंड इतना करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बैकग्राउंड पे हमारा मॉडल ऐड हो चुका है। एंड गाइस इतना करने के बाद आप लोग भी ऐसे इतना कर सकते हैं। इतना प्रोसेस करने के बाद आप लोगों को एक फिर से ऐड फोटो पे आना है एंड ये वाली पीएनजी ऐड करनी है। एंड सबसे पहले तो मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ एक बार, तो इसके लिए मैं क्रॉप पे चलता हूँ। एंड ये जो नीचे की दो पीएनजी इसको मैं कर देता हूँ कट, क्योंकि उस हिसाब से हमारा मॉडल नहीं है जिस हिसाब से हमें तीनों पीएनजी ऐड कर लें। तो गाइस मैं इस पीएनजी को बस मैं ऐड करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ इसको मैं ऐड कहाँ करूँ।
तो इधर की तरफ मैं एक बार देख लेता हूँ, तो इधर की तरफ उतना खास नहीं लग रहा, तो यहीं पे मैं इसको सेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से। तो गाइज़ मैंने इसको अच्छे तरीके से सेट कर दिया है, एंड इतना करने के बाद मैं सिंपल यहाँ से कर दूँगा डन। एंड डन करने के बाद गाइज़ देखिए हमारा फोटो बैकग्राउंड अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है फोटो। सो इतना करने के बाद हम चलेंगे ड्रॉ टूल पे, एंड यहाँ से हम कर लूँगा अपनी पिक्चर को सेव। एंड सेव करने के बाद गाइज आप लोगों को चलना है अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, एंड वहाँ पे हम थोड़ा कलर ग्रेडिंग करते हैं। सो ओके गाइज, तो गाइज मैंने अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को ऐड कर लिया है। तो गाइज आप लोगों को भी ऐसे अपने लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ऐड कर लेना है। एंड गाइज अब हम आएंगे अपने लाइट वाले टूल पे, एंड कॉन्ट्रास्ट को हम रख देंगे -20, एंड जो इसका हाईलाइट भी हमारे फोटो पर ज़्यादा है तो इसको मैं कर देता हूँ -45, एंड शैडो को इंक्रीज कर दूंगा 25 के आसपास, वाइट को डिक्रीज करूंगा, एंड गाइज इसका ब्लैक्स को भी इंक्रीज कर दूंगा। सो इतना करने के बाद आप लोग देखो कुछ रिजल्ट, एंड इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि आप अपने इस वाले टूल पे आना है, तो थर्मामीटर वाले टूल पे आएंगे, एंड इसका वाइब्रेंस जो है वाइब्रेंस को हम कर देंगे इंक्रीज की ओर, ताकि हमारा ड्रेस जो है थोड़ा डार्क सा हो जाए। सो सैचुरेशन इसका इंक्रीज की ओर करेंगे हम, एंड इतना करने के बाद जिसका ये टेम्परेचर है टेम्परेचर को हम 2 के आसपास करेंगे, टिंट को हम थोड़ा डिक्रीज की ओर करेंगे। सो इतना करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से कर देना है, पहले तो यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देखिए। सो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अब इस वाले टूल पे आ जाना है, एंड इस वाले टूल पे आने के बाद आप लोगों को सिंपली पहले तो आ जाना है येलो वाले टूल पे। तो अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो येलो वाले टूल पे आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसका जो ह्यू है ह्यू को थोड़ा इंक्रीज की ओर करना है, ताकि हमारे बैकग्राउंड पे थोड़ा कलर डार्क हो जाए। एंड इतना करने के बाद जो इसका हाईलाइट है हाईलाइट को भी इंक्रीज थोड़ा सैचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, एंड जो इसका लूमिनेंस है लूमिनेंस को भी इंक्रीज कर देंगे। सो अब आता है हमारा फेस का कलर, तो फेस का कलर पे ये ऑरेंज पे आएंगे, एंड थोड़ा इसका हम लूमिनेंस को इंक्रीज कर देंगे, तो जितना मुझे वाइट चाहिए उतना मैं रखूँगा, एंड इसका सैचुरेशन भी मैं थोड़ा अपने हिसाब से डाउन कर लेता हूँ, एंड ह्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। सो इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ से क्या करना है, आप लोगों को इस वाले टूल पे आना है, सैचुरेशन -100 रख देना है, एंड इसका जो सैचुरेशन है इसको हम थोड़ा डिक्रीज करते हैं, तो इसको हम रख देंगे -65। सो इतना करने के बाद आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा होगा। सो इतना करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसको डन कर देना है, एंड डन करने के बाद यहाँ से जो इसका क्लियरिटी है तो इसको तो मैं पहले सही कर देता हूँ, तो इसको मैं सही कर देता हूँ, एंड ऊपर वाला जो इसका क्लियरिटी है तो क्लियरिटी को मैं रख दूँगा 25, वीगनेट को रख दूँगा मैं 10 के राउंड 10 के आसपास। तो इतना करने के बाद आप लोगों को अब इस वाले टूल पे आना है, एंड शार्पनेस को इंक्रीज कर देना है, तो एंड मास्किंग को भी इंक्रीज कर देना है, नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज करना है, एंड नीचे आने के बाद हमें को इसका कलर नॉइज़ को भी थोड़ा इंक्रीज कर देना है। तो इतना करने के बाद अब आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर काफ़ी अच्छा रिटचिंग हमारे फ़ोटो पे हो चुका है, एंड बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक फ़ोटो लग रहा है गाइस। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना जरूर, लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, एंड अगर चैनल पर जो भी बंदे नए हो और इसी तरह से हमेशा वीडियो देखना चाहते हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। सो गाइस आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।